Look out, watch out, be careful. Look out, there is a car coming. Look out. Come on, be quick, hurry up. Come on, everybody is waiting for you. Hold on, wait, can you hold a minute? क्या तुम कुछ देर के लिए रुक रुक सकते हो? Hold a minute, क्या तुम थोड़ी देर के लिए रुक सकते हो? फोन पर. कैरी ऑन, कंटिन्यू किस काम को करना. डोंट स्टॉप वर्किंग, काम को मत रोके. कैरी ऑन, करते रहें. कंटिन्यू वर्किंग, काम को जारी रखें. एक्सक्यूज मी, माफ़ कीजिए. वेयर इज द स्टेशन, स्टेशन कहाँ है? प्लीज़ कैरी ऑन अलोंग दिस रोड, इस रोड के पर ही चलते रहें. एंड टर्न राइट एट द लाइट, जब लाइट आ जाएगी राइट ले लेना. जब राइट लाइट आ जाएगी कंटिन्यू अलोंग, काम सीधे ही करते रहें, सीधे चलते रहें. गो ऑन, जब वॉक ऑन या ड्राइव ऑन. कंटिन्यू गोइंग, कंटिन्यू चलते रहें. डोंट स्टॉप हेयर, यहाँ मत रुकिए. ड्राइव ऑन, काम गाड़ी चलाते रहें. गेट ऑन, मैन इज इन अ जॉब, एट स्कूल, इन एन एग्जामिनेशन. किसी चीज़ को मैनेज करना, उसको बोलते हैं गेट ऑन. हाउ आर यू गेटिंग ऑन इन योर न्यू जॉब, तुम अपनी. आर यू डूइंग इट ओके, क्या तुम इसे सही से कर रहे हो? क्या तुमने अपनी जॉब में सही मैनेज कर लिया है? या तुम्हें अच्छी लग रही है? टेक ऑफ, जब टेक लीव द ग्राउंड, जब हम अपनी जमीन से पोजीशन को छोड़ते हैं. फॉर ये मोस्टली प्लेन के लिए यूज होता है. द प्लेन टुक ऑफ 20 मिनट्स लेट बट लैंड ऑन टाइम. प्लेन 20 मिनट लेट था लेकिन सही टाइम पर उतरेगा. वॉक अप या स्टॉप स्लीपिंग, उठ जाइए, आप सोइए मत. स्लीप सोना रोक दीजिए. द प्ले आई ऑफन वॉक अप इन द मिडल ऑफ द नाइट, मैं अक्सर रात के बीच में उठ जाता हूँ, 3 बजे के आसपास उठ जाता हूँ. स्पीक अप, स्पीक मोर लाउडली, थोड़ा आवाज़ अपनी बढ़ा दीजिए. आई कैन नॉट हीयर यू, मैं तुम्हें नहीं सुन सकता. यू कैन स्पीक अप अ बिट, तुम थोड़ा आवाज़ बढ़ा सकते हो? क्या तुम थोड़ा आवाज़ बढ़ा सकते हो? हरी अप, जल्दी कीजिए. डू समथिंग मोर क्विकली, कुछ काम को तेज़ी से कीजिए. हरी अप, जल्दी काम करना. वी हैव नॉट मच टाइम, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है. वॉश अप, धोना किसी चीज़ को. वॉश द प्लेट, प्लेट को धो दीजिए. आफ्टर द मील, खाना खाने के बाद. डू यू वॉन्ट मी टू वॉश अप, क्या तुम मुझसे कार धुलवा या प्लेट धुलवाना चाहते हो? ग्रो अप, बिकम एडल्ट, अपनी आदत के अनुसार. वाट डज योर सन, तुम्हारा बेटा क्या करना चाहता है? वॉन्ट टू डू, क्या करना चाहता है? व्हेन ही ग्रोज अप, जब वह बड़ा हो जाएगा. गिव अप, स्टॉप ट्राइंग, किसी चीज़ को गिव अप करना मतलब छोड़ देना. अब वो मत कीजिए, अब उसका टाइम नहीं है, उसको बोलते हैं गिव अप. आई नो इट इज़ डिफिकल्ट बट डोंट गिव अप, मुझे पता है कि ये बहुत मुश्किल है लेकिन ये छोड़िएगा मत. डोंट स्टॉप ट्राइंग, अब आप काम तो प्रयास करते रहें. स्लो डाउन, गो मोर स्लोली, स्लो डाउन, किसी चीज़ को स्पीक कम करना. गो मोर स्लोली, आराम से जाइए. यू आर ड्राइविंग टू फास्ट, स्लो डाउन, तुम गाड़ी को बहुत तेज चला रहे हो, कृपया थोड़ी आराम से चलाइए. ब्रेक डाउन, स्टॉप वर्किंग फॉर कार मशीन. ब्रेक डाउन मतलब रुक जाना. सू वॉज वेरी लेट बिकॉज हर कार ब्रोक डाउन, सू बहुत देरी से था क्योंकि उसकी कार जो ब्रोक डाउन ख़राब हो चुकी थी. फॉल ओवर, गिर जाना. लूज योर बैलेंस, जब आप बैलेंस के लूज होने के कारण गिर जाते हैं उसे हम लूज ओवर बोलते हैं, फील ओवर बोलते हैं. आई फील ओवर बिकॉज माई शूज वर टू बिग फॉर मी, मैं गिरा क्योंकि मेरे शूज मेरे हिसाब से बहुत बड़े थे. फिल इन अ फॉर्म, कंप्लीट अ फॉर्म, किसी चीज़ को पूरा करना. कैन यू फिल इन दिस फॉर्म, क्या तुम इस फॉर्म को भर सकते हो? प्लीज़ पुट आउट द फायर ब्रिगेड आउट एंड पुट द फायर आउट, फायर ब्रिगेड. आई
और उसने आग को बुझाया। क्रॉस आउट अ मिस्टेक और ए वर्ड। इफ यू मेक अ मिस्टेक क्रॉस इट आउट। अगर तुम कोई गलती करते हो तो उसे काट दीजिए। ट्राई ऑन क्लॉथ ऑन क्लॉथ पुट ऑन क्लॉथ सी यू इफ यू इफ दे फिट यू। तुम पुट कपड़े पहनकर देखना चाहते हैं कि वे तुम्हारे फिट है सही है या नहीं है। इन ए शॉप दिस इज ए नाइस जैकेट। ये एक अच्छी जैकेट है। शैल आई ट्राई ट्राई इट ऑन। क्या मैं इसे पहनकर देख सकता हूँ। गिव अप छोड़ देना। स्टॉप समथिंग दैट यू डू किसी काम को रोक देना जो तुम करना चाहते हो। टॉम गिव अप स्मोकिंग 5 years ago। टॉम ने बीड़ी सिगरेट पीना छोड़ दिया। धूम्रपान करना छोड़ दिया है 5 साल पहले। ही स्टॉप स्मोकिंग उसने बीड़ी पीना छोड़ चुका है। दे आर स्टिल लर्निंग इटालियन। वे अब तक इटालियन सीख रहे हैं। नो आई गिव इट अप। आर यू स्टिल लर्निंग इटालियन। क्या तो अभी तक इटालियन सीख रहे हो। नो आई गिव इट अप। नहीं मैंने तो छोड़ दी है। रिंग अप फोन किसी चीज का घंटी बजना। सू रिंग मी लास्ट नाइट। सू ने मुझे पिछले हफ्ते कॉल किया। सू रिंग मी लास्ट नाइट। सू ने मुझे पिछले हफ्ते कॉल किया। लुक अप अ डिक्शनरी वर्ड इन अ डिक्शनरी। किसी चीज़ में कुछ चीज़ देखना मतलब मैं अपनी किताब में कुछ देख रहा हूँ। आई डोंट नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड। मैं इसका मतलब इस शब्द का मतलब नहीं जानता। सो आई लुकड इट अप इन अ डिक्शनरी। तो मैं इसको अब एक डिक्शनरी में देख रहा हूँ देख चुका हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टर्न अप लाउ मेक लाउडर। किसी चीज़ को उसकी आवाज़ ज़्यादा करना। टीवी रेडियो म्यूजिक। आई डोंट नो दैट। कैन यू टर्न द रेडियो अप। क्या तुम रेडियो की आवाज़ को थोड़े ऊपर कर सकते हो। आई कैन नॉट हियर। मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। कैन नॉक डाउन किसी चीज़ को तोड़ना। बिल्डिंग को डिमोलाइज करना। दे आर गोइंग टू नॉक डाउन द स्कूल एंड बिल्ड अ न्यू वन। वे घर वे वे स्कूल को तोड़ने जा रहे हैं और दोबारा से बना रहे हैं। दोबारा बनाने जा रहे हैं। टर्न डाउन किसी चीज़ को कम करना। मेक मोर क्वाइट किसी चीज़ को हल्का सा करना। हल्का करना रेडियो टीवी म्यूजिक एक्सेट्रा। द म्यूजिक इज टू लाउड। म्यूजिक की आवाज़ बहुत ज़्यादा है। कैन यू टर्न इट डाउन। क्या तुम इसे कम कर सकते हो। थ्रो अवे फेंक देना किसी चीज़। रबिश रबिश थिंग यू डोंट वांट जो तुम नहीं चाहते जो कूड़ा करकट है। दीज एप्पल्स आर बैड। ये जो सेब हैं ये बहुत गंदे हैं बुरे हैं। शैल आई थ्रो देम अवे। क्या इन्हें मैं फेंक सकता हूँ फेंकाऊँ। डोंट थ्रो अवे दैट पिक्चर। आई वॉन्ट इट। उस पिक्चर को मत फेंकिए मुझे उसकी ज़रूरत है। आफ्टर पुट अवे किसी को रख देना। पुट समथिंग इन द प्लेस वेयर यू यूजली कीप इट। किसी चीज को वहाँ रखना जहाँ तुम उसे अक्सर रखते हो। आफ्टर दे फिनिश्ड प्लेइंग आफ्टर खेलने के बाद द चिल्ड्रन पुट देयर टॉयज अवे। बच्चे अपने अपने खिलौनों को वहीं रखते हैं जहाँ उनकी जरूरत जहाँ वे अक्सर रखते हैं। बैक पे सम मनी बैक। कुछ कुछ पैसों को वापस लेना। मनी दैट यू बोरो जो मनी तुमने उधार दी थी। दैट यू आर लैंड थैंक यू फॉर लैंडिंग मी द मनी। मुझे पैसे देने के लिए शुक्रिया। आई विल पे यू बैक नेक्स्ट टाइम। मैं तुम्हें इन्हें अगले हफ्ते वापस दे दूंगा। नॉक ओवर अ ग्लास अ कप अ पर्सन। बी केयरफुल सावधान रहिए। डोंट नॉक योर कप ओवर तुम्हारा कप तुम्हारे ऊपर न गिर जाए। देर वॉज एन एक्सीडेंट एट द एंड ऑफ रोड। सड़क के आखिर में एक एक्सीडेंट हुआ। अ मैन नॉक ओवर ए कार। एक आदमी कार से टकराया। नॉक हुआ टक्कर लगी। अब ए मैन वॉज नॉक डाउन बाय ए कार। एक आदमी
कार इसे टक्कर खा के गिर गया। शोम राउंड अराउंड, चारों तरफ देखना, अराउंड चारों तरफ देखना। टेक समबडी ऑन अ टूर ऑफ अ प्लेस। किसी टूर को, किसी चीज को चारों ओर अच्छी तरह से देखना। विजिट अ फैक्ट्री लास्ट वीक, हमने पिछले सप्ताह एक फैक्ट्री का विजिट किया। हम देखने गए, द मैनेजर सो अस अराउंड, हमें उस मैनेजर ने चारों ओर घुमाया।